और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। सन 1944, सारी दुनिया जंग के जुनून में है। हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम है, जहां इस वक्त आजादी की आग आसमान छू रही है। अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मणिकर्णिका, प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जहां एक तरफ रानी अपने सैनिकों के साथ अभ्यास कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। सैनिकों, पंडोरा पर कब्जा करने का वक्त आ गया है, क्या तुम तैयार हो? फायर! ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के ऑर्डर्स हैं। यू हैव टू गिव अप योर झांसी नाउ। हम अपनी झांसी नहीं देंगे। झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है। महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की। खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। आज की सभी नारियां हैं रानी लक्ष्मीबाई, और इन सभी नारियों को शत शत नमन। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।